इंडेक्स इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। यह माया नगरी है मुंबई, और जो कैरेक्टर ये लोग प्ले करते हैं, कभी कभी ऐसा ही घटना इनकी ज़िंदगी में घट जाती है। हम बात कर रहे हैं एक्टर के बारे में, एक ऐसे एक्टर जो अक्षय कुमार की फिल्म पटियाला हाउस और अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे में काम कर चुके त्रिलोचन सिंह सिद्धू यानी सावी सिद्धू आज चौकीदार की नौकरी करने पर मजबूर हैं। इस खबर के वायरल होने के बाद अब उनकी मदद के लिए कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी सामने आए हैं। सिंगर मीका सिंह ने त्रिलोचन सिंह सिद्धू का नंबर भी मांगा है। बॉलीवुड के सिंगर मीका सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे कोई प्लीज सावी का नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मीका आगे लिखते हैं कि वाकई में उनकी मदद करना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री को समझना काफ़ी मुश्किल है। हम वैसे काफ़ी प्यार और फेक स्माइल करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे किसी भाई को हमारी ज़रूरत है तो हमें उसे सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। मीका के अलावा बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव ने भी सावी सिद्धू के सपोर्ट में खड़े नज़र आ रहे हैं। राजकुमार राव ने लिखा कि सर, आपकी काम जो है वह और जो आपकी बातें हैं वह सकारात्मक है, जो सलाम करने योग्य है। आपके काम को सभी फिल्मों में काफ़ी सराहा गया। मैं अपने दोस्तों को जो कास्ट करते हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनसे कहूंगा कि वो आपसे मिले। सावी के सपोर्ट में उनकी ही फिल्म ब्लैक फ्राइडे और 5 के डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने कई ट्वीट किए। अनुराग ने लिखा कि मैं किसी भी काम को छोटे काम के तौर पर नहीं देखता हूँ, गार्ड होना अच्छा काम है। सावी की तरह कई कहानियाँ हैं। अनुराग अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मैं सावी के बतौर कलाकार काफ़ी इज्जत करता हूँ, मैंने उन्हें 3 बार कास्ट किया है। अनुराग ने लिखा कि मैं ऐसे कई एक्टर्स को जानता हूँ जिनके पास काम नहीं है, उन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए जिस काम को चुना मैं उसकी भी इज्जत करता हूँ। मैं खुद वेटर रह चुका हूँ, नवाज भी गार्ड रह चुके हैं। नवाज यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात हो रही है। इसके अलावा ब्लैक फ्राइडे और सलाम बॉम्बे में काम कर चुका एक एक्टर सड़क पर भेलपुरी बेचता है तो कोई रिक्शा चलाता है, ऐसा अनुराग ने लिखा है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।